नमस्कार दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू सी द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो कंप्यूटर हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर means all the physical component components of a computer which can be seen, touched or counted is called हार्डवेयर। जितने फिजिकल कंपोनेंट होंगे, बाहरी भौतिक कंपोनेंट्स, डिवाइस जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सब हार्डवेयर कहलाएगा। एग्जांपल में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, रैम, ईटीसी, ये सब जो है ना, हम लोग सबको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, हटा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम, सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम, दैट मीन्स सिर्फ सेट ऑफ प्रोग्राम कह देना सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है अगर हमने हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है किसी कंपनी के लिए जो कि खास ऑब्जेक्टिव है, उसका खास एम है, उसका डेवलप ये प्रोडक्ट बनाना, उसके सारे प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ अगर हम अटैच कर दे तो सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा। तो रिलेटेड करने का मतलब जिस कंपनी के लिए हम अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसी वर्क से रिलेटेड, उस कंपनी के वर्क से रिलेटेड सारा प्रोग्राम होना चाहिए अटैच एक साथ, तब वो एक सॉफ्टवेयर बनेगा और किसी काम को पूरा कर पाएगा। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम दैट कैन डू एनी पार्टिकुलर टास्क, कोई पार्टिकुलर टास्क को पूरा कर सके। अगर वो रिलेटेड नहीं होगा, पता चला क्या कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं किसी मोबाइल कंपनी के लिए, तो जितने भी प्रोग्राम अगर होगा उस मोबाइल कंपनी से रिलेटेड, उसके वर्क से रिलेटेड, उसी को सिर्फ हम लोग सेट बनाएंगे, अटैच करेंगे। ऐसा नहीं कि मोबाइल कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें ग्रुप करना प्रोग्राम को तो किसी दूसरे, है ना, कार वाले कंपनी का, बाइक के कंपनी का प्रोग्राम को अटैच कर देंगे तो वो सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं होगा। इसीलिए ये कहना सही होगा कि सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम दैट कैन डू एनी पार्टिकुलर टास्क, जो कि पार्टिकुलर टास्क पूरा कर सके, वही आपका सॉफ्टवेयर होगा। तो हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देखें। दूसरी बात, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें, कंप्यूटर का गुण हम लोग देखें, तो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स वर्क वेरी फास्टली, इट नेवर कमिट मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। इफ इट गिव्स रॉन्ग आउटपुट दैट मीन्स वी हैव कमिटेड मिस्टेक, वी हैव एंटर्ड रॉन्ग कमांड, अदरवाइज कंप्यूटर नेवर कमिट मिस्टेक। कंप्यूटर नेवर बिकेम बोर, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, नेवर टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम,
बहुत तरह के काम को एक साथ वो पूरा कर सकता है, फिर भी नहीं थकता है, फिर भी वो गलती नहीं कर सकता है, फिर भी वो फास्ट रहता है। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या देखें, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, कंप्यूटर नेवर टायर्ड, दैट इज वर्सटाइल, कंप्यूटर कैन डू मेनी वर्क, मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम, कंप्यूटर नेवर कमिट मिस्टेक, इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट रिजल्ट, इवन वी डू द कॉम्प्लेक्स वर्क। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव अंडरस्टूड अबाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैसे आया, जनरेशन कैसे कैसे बना, ये सब बताएंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद।